तू फोन लेकर आई है? हाँ, सुनना, राहुल को मैसेज भेजा तूने? अरे तू टेंशन मत ले, मैंने तेरे साइड से राहुल को मैसेज कर दिया है। और सुनना यार, राहुल को मैसेज भेज दिया है तो मेरी आईडी बना दे इंस्टा पे ना, मुझे वायरल होना है। अरे बना दूंगी, रुक अभी बना देती हूँ। गाइस तुम्हें पता है मेरे इंस्टाग्राम पे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, मैं तुम सबकी भी रील शेयर कर दूंगी। ओके सही कह रही है, मेरी ना शेयर कर दियो यार। ठीक यार, मेरी भी शेयर कर दियो, मुझे भी वायरल होना है। ठीक है ठीक है, और एक काम करते हैं, हम लोगों ने स्कूल की ड्रेस पहन रखी है, आजकल ना स्कूल की ड्रेस में रील बहुत वायरल हो रही है। रील बना उस कच्चे बादाम पे बना लेंगे, वो गाना ना ट्रेंडिंग में है ना, चल बनाते हैं। फिल्टर लगा देती हूँ, गोरे आ रहे इसमें। खोला भाई, कौन है अंदर? शिट! ओबे यार क्या करे, कौन आ गया गेट पे? गेट बंद करके कौन चुचू करता है भाई? खोलो, मैं मैम को बोल दूंगी बाहर आओ सारे। कोई भी सोचेगा कि हम चारों वॉशरूम में अकेले क्या कर रहे थे। एक बार और बना ले रील, जा जा, तेरे को पड़ी थी ना कच्चे बदन पे रील बनाएंगे। अरे यार बना लिया, उसके पे चढ़ क्यों रही है? अरे भाई कौन है, बड़े बदतमीज बच्चे हैं। दरवाजा खोलो। गाइस तुम्हें पता है मैं भी वन ईयर अगो इंडिया आई थी अपने मम्मा पापा के साथ, अब वो मुझे दोबारा अपने कंट्री लंदन ले जाएंगे। अबे यार कौन है ये लड़कियां, दिमाग खराब कर दिया है, निकल ही नहीं रही बात। क्या रिलैक्स करते हैं कुछ, रुक जा मैं सोच रही हूँ। मैं तुम्हें ना एक रास्ता बताती हूँ, ऐसा कह देंगे कि हम ना अलग अलग डिब्बे में सूसू कर रहे थे। अरे वो हमें कुछ कहेंगे थोड़ी। तू ना अपना मुंह बंद रख, से मुंह की इतना दिमाग मत लगा, कुछ और सोचना पड़ेगा यार। क्या करे क्या करे, एक और सुन ले यार, एक और नहीं तेरा आइडिया नहीं चलेगा। अरे यार लास्ट ठीक है, बता एक काम करते हैं, तू ना बाहर जाके उसको संभाल ले, हम देख लेंगे हमें फोन कहाँ छुपाना है। पक्का ना? पक्का। ठीक है चलो मैं जाती हूँ, संभाल लेना। इतनी देर से वेट कर रही हूँ, मैं बताती हूँ। हाय दी, क्या कर रही थी अंदर? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? वो दीदी मैं तो अभी अंदर गई थी, मैं अकेली थी अंदर। वो क्या है ना, वॉशरूम बहुत गंदा हो रखा है दीदी, पता है लड़कियों ने ना पैर डाले हुए हैं बिना डस्टबिन के, बहुत गंदा है। आप कहाँ जाओगे? अच्छा तो मैं देखती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, आपको देखने की क्या जरूरत है? और हाँ वो मुझे एक बात याद आ गई, इधर आओ जरा। अरे यार ये फोन कहाँ छुपाए? एक काम कर, तू ना इस बोर्ड में डाल दे। नहीं ना, काम करती हूँ पॉट में डाल देती हूँ। नो गाइस यू गंदा हो जाएगा, एक काम करते हैं खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। नहीं तेरे को फेंक दे खिड़की से बाहर। नहीं यार कुछ और सोचना पड़ेगा, तू ना जिम में डाल ले, ये बेस्ट है। सही आ रही है, सही आ रही है। अब चलते हैं बाहर, चलो चलो चलो। वो पता है आपको, हमारे स्कूल में ना वॉशरूम में भूत है, भूत। क्या बकवास? अरे दीदी सुनो, बकवास नहीं कर रही मैं, सच बोल रही हूँ। वो क्या है ना, मेरी दीदी ना इसी स्कूल में पढ़ती थी, और अभी लास्ट ईयर तक उनकी फ्रेंड के साथ पता है क्या हुआ, बिल्ली आई और ऐसे फेस पे कूद पड़ी। डर नहीं लग रहा आपको? तुम टाइम पास क्यों कर रही हो, मुझे वॉशरूम जाना है। अरे दीदी कोई भी नहीं है वॉशरूम में। कहाँ है भाई गंदा? मुझे तो नहीं लग रहा गंदा। गंदा शायद साफ कर दिया होगा, मैंने बताया था ना भूत है यहाँ पे। अबे यार ये कहाँ चली गई? हे भगवान, अरे तू वॉशरूम से कैसे आ गई? अरे तू आम खाना गुटलियां क्यों गिन रही है? इसको साइलेंट पे कर ले, चलो चलो चलो। सो स्टूडेंट्स आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है साइन ए इक्वल टू टू
साइन 30 इंटू कॉस 30 जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ओके तो लिखो 2 इंटू साइन 30 इक्वल टू 1/2 इंटू कॉस 30 इक्वल टू कॉस 30 इक्वल टू अंडर रूट 3/2। ओके देन साइन ए इक्वल टू क्या हो गया, 2 से 2 कट एंड अंडर रूट 3/2। तेरे को पता है मेरे ना बहुत मस्त मस्त बंदे बन गए हैं। ओए तेरा उस राहुल से कुछ चल रहा है क्या? चल तो रहा है यार, कितना क्यूट है ना वो। तो बोल रहे थे ब्रेकअप हो गया, तो क्या हो गया, ब्रेकअप करके फिर से मैचअप कर लो। अबे तू इससे अच्छे बंदे से सेटिंग करना, एक मस्त बंदे गुजरे गुजरे उससे सेटिंग कराऊंगी तेरी। करा दे करा दे। शीला और पवित्रा क्या बातें चल रही हैं? वो मैम मैं ना अपना पेन ले रही थी इससे। आपको पता है ना मैं तो क्लास में बोलती ही नहीं हूँ, मैंने इससे बोला मेरे को पेन दे दे और ये मेरे को पेन नहीं दे रही, आगे से मेरे से बात कर रही है कि मेरे से मूवी देखने चल ले। बेटा मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया होगा। पवित्रा तुम बाहर तो शैतानी करती रहती हो, खुद भी नहीं पढ़ती और इसको भी नहीं पढ़ने दे रही। बेटा तुम ना संगति चेंज करो। मैम मैंने कुछ नहीं किया। पेन दो उसका वापस। ये मेरा पेन था मैम। पेन दो उसको वापस। पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर दिया इस लड़की ने। थैंक यू मैम। सो देखो ए इक्वल टू साइन इनवर्स इनटू साइन 30। इनकी सीमा नाइट आउट में चल रही है क्या? घूमने नाइट आउट का प्लान कर रहे हो क्या? हाँ गाइस चलते हैं, मैंने कभी इंडिया एक्सप्लोर नहीं करा है। चलो 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 मुझे भी लेके चलो। हाँ ले लेंगे मजा आएगा। कहाँ चलने का प्लान है? पता है गाड़ी की चिंता मत करना और खाने की भी मत करना। क्यों गाड़ी कौन ला रहा है? अरे मेरा बंदा राहुल आ रहा है क्या? नहीं अभिषेक। हाँ और हम लेकिन ट्रिप पे जाएंगे का? हम डिसाइड कर लेंगे यार, वैसे तो मोर्टल चलेंगे है ना। सुना सुना मूवी भी देख लेंगे, मूवी चलते हैं बेस्ट है। शीला बेटा अभी रिंकी से क्यों बात कर रहे हो आप? मैम आपको पता तो है ये मेरा पेन लेकर बैठी हुई थी, मैंने इसे क्या बोला है? रिंकी तुम पे अपना पेन ही लाया जाता क्या? पेन दो उसका वापस करो। ए, मैम नेक्स्ट टाइम अपना पेन लेकर आऊंगी। ये ले शीला। हाँ कल से अपना पेन लेकर आना और पवित्रा तुम भी। सो ए इक्वल टू 60। मैं कम इन मैम। हाँ हाँ बेटा आओ। हो बे यार ये तो वही लड़की है। कौन सी लड़की होगी? फोन वाली। ये वही लड़की है क्या? हाँ मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो मैम। काम है बताना। ओके बताओ। क्या झूठ तो नहीं बोल रही तुम? नो मैम। क्लास में कौन बच्चा फोन लेकर आया है? फोन? कृत्या तुम बताओ तुम फोन लेकर आई हो? नो मैम, मैम मेरे पास तो फोन ही नहीं है, मैं पेन से फोन ही नहीं लाया मुझे। रिंकी तुम, तुमसे पेन तो लाया नहीं जाता, फोन लेकर आई हो तुम? मैम मैम मेरे पास भी फोन नहीं है, मैं तो खुद शीला का यूज करती हूँ, मैं तो लेकर नहीं आई, उससे पूछ लो। ओके ठीक है। पवित्रा तुम? मैम फोन ये क्या होता है, मैंने तो कभी फोन भी नहीं देखा। तुम? मैम मैम आप मुझ पे शक कर रहे हो, मैं तो फोन लाई ही नहीं हूँ। बेटा तुम बुक्स भी नहीं लेकर आती हो। और मैम कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता है तुम ऐसा काम नहीं करोगी। क्लास में तो बच्चे बोल रहे हैं कि कोई फोन नहीं लाया। मैम मैंने वॉशरूम में आवाज सुनी थी मैसेज की और इसी क्लास की लड़कियां थी। अच्छा रिंकी उठो और मेरे पास आओ। मैम सच बोल रही हूँ, मम्मी का तो मैं नहीं लेकर आई फोन। मैंने क्या बोला? उठो और इधर आओ। क्या हुआ मैम, क्यों इतना शोर मचा रखा है? अरे मैम ये बच्ची बता रही है कि क्लास में कोई बच्चा फोन लेकर आया है, लेकिन सारे ही बच्चे मना कर रहे हैं। फोन लेकर आए? यस मैम मैंने इन्हें देखा था वॉशरूम के बाहर। आप ऐसा करो मैम, आप अपनी क्लास लो, मैं देखती हूँ इनके फोन। ठीक है मैम देखना आप है ना। हाँ भाई कौन लाया है फोन?
देखो मैम, मुझे क्लास का नहीं पता, पर मेरे पास फोन नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। वो तो पता चलेगा कौन कितना सच बोल रहा है। जाओ चेक करो सबके बैग। यार मत चेक करना मेरा बैग। यार करना पड़ेगा वरना मैम मुझे डांट लगाएंगी। ज्वेलरी, तू भागने वाली थी क्या? शादी में आई थी नालायक। बैग, अबे बैग तो ले आ, फोन तो जब लाएंगे। क्या करने आई है, बताशे खाने? तमीज कहीं के। कुछ नहीं है इसमें, देखने दे। मैम स्मार्ट वॉच लेकर आई है। दिमाग तो स्मार्ट है नहीं, वॉच चाहिए नहीं स्मार्ट, मुझे दो। मैम परफ्यूम भी लेकर आई है। वो मैम स्मेल हो जाती है ना। लेकर आई है तू? यार रख लेना चाहिए, बंदा मिल जाता है मेरा। और मैम बस पैड का पैकेट है, बाकी तो मैम किसी के पास भी ना फोन नहीं मिला मुझे, मैंने सबके बैग चेक कर लिए। मैम इसने ठीक से चेक तो किया है ना, मैंने इनको देखा था। यस मैम, मैंने तो पहले ही बोला था ये दीदी ना हमारी क्लास में आग लगाने के लिए आई है। हाँ हम तो बहुत शरीफ है मैम, इसी के पास होगा फोन। मैम हमारा इतना अच्छा मूड था कि हम पढ़ाई करेंगे, सारा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, पर इन दीदी ने तो हमारा सारा मूड खराब कर दिया। मैं इतने अच्छे दिन चाहती थी मैम। मैम मुझे तो लग रहा है सीनियर्स ना हमें फंसाना चाहते हैं, और देखो आज हमारी पूरी क्लास भी डिस्टर्ब हो गई, पीरियड भी ठीक से नहीं हो पाया हमारा। सॉरी बेटा मैंने तुम्हारी क्लास डिस्टर्ब कर दी। और रिंकी बेटा तुम आओ, चलो अपनी सीट पे बैठो। इट्स ओके मैम, एक सेकंड। और तुम बाहर चलो। ओए मेरा फोन कहाँ है? देख अगर उसको कुछ भी हो गया, अगर वो टूट गया तो तू गई। हाँ यार रील कैसे बनाएंगे फिर? अरे रुक जा माता। मुझे पहले ही पता था कि मैम बैग चेक करेंगी, तो मैंने पैड के पैकेट में तेरा फोन डाल दिया ताकि मैम को शक ही ना हो। दिमाग तो है तेरे पास, तूने मुझसे लिया था ना। चल ये सब छोड़ो ना, प्लान करो जल्दी ना, अभिषेक को मैसेज कर दे प्लान कर। कर दिया। फ्री पीरियड गाइस, ये हमारा फ्री पीरियड है ये। तुम हो कमाल, तुम बेमिसाल। एक सेकंड, तुम सब कर क्या रहे हो? ओ क्या कर रही है तू? मैं तो मेकअप कर रही हूँ गाइस, मैं सोचा फ्री पीरियड में थोड़ा तैयार ही हो जाऊँ, कितनी सुंदर लगूंगी ना मैं तैयार होके। शीला, ओए शीला हेलो, क्या कर रही है तू? अरे यार मैं ना अपने बंदे के बारे में सोची थी, वो परसों डेट पे जा रहा है ना, सोची थी वो मेरे से कैसे मिलेगा, कैसे बात करेगा, क्या क्या करेगा। डेट? ओए तुम दोनों बताओ ना क्या कर रहे हो ये? यार हम दोनों ना फिल्म फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे थे, कितनी अच्छी वॉक की थी उनसे। तुमने ऐश्वर्या राय की वॉक देखी तो कितनी अच्छी थी। हाँ यार दीपिका की क्या वॉक थी, वो प्रेग्नेंट है लेकिन फिर भी कितना अच्छा वॉक कर रही थी ना, मेरी तो फेवरेट है वैसे भी। और तूने वो देखी आलिया भट्ट? यार आलिया भट्ट की साड़ी देखी थी, काश हम भी कुछ ऐसा कर पाते। देख वैसे वॉक तो मैं भी बहुत अच्छी करती हूँ पता है तुम्हें,
जीजी हैडिक की वॉक देखी थी गाइस, तुम्हें पता है मैं अमेरिका में ना मॉडलिंग करती थी, अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम सबको सिखा सकती हूँ। नहीं मेरे को तो ऑलरेडी आती है, तेरे को आती है वॉक करनी? यार मेरी वॉक भी बहुत अच्छी है। हाँ यार मुझे भी बहुत अच्छी वॉक आती है। यार मैंने बस वीडियो नहीं देखी है ये वाली, बस हाँ वॉक तो मैं बहुत अच्छी कर लेती हूँ। सीख सकते हो तुम दोनों मेरे से। तो क्यों ना हम एक फैशन शो करें, फ्री पीरियड ही तो है। हाँ बिल्कुल अच्छा आइडिया है, लेट्स डू इट गाइस, लेट्स डू इट। चलो चलो करते हैं भाई। हाँ चलो चलो, बहुत मजा आएगा यार। सही है, चलो फिर हम ना, मैं जज बन जाती हूँ, पहले तुम सबको जज करूंगी तुम्हें कैसी वॉक करने आती है। ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट इट। सब तैयार है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा नहीं गए इसने, ठीक ही किया था। हां एवरेज गाइस, अच्छा मैं कर सकती हूं। अच्छा अच्छा कर गया, आई एम प्रिपेयर्ड। नाइस वॉक यार, नाइस वॉक। अच्छी वॉक करती है ये भी, लग रहा है सच में फैशन शो करके आई है। तुम हो कमाल, तुम बेमिसाल, तुम लाजवाब हो। चलना नहीं आता, आई बड़ी मेरी रीफ करने वाली थी। ओके तो सबकी वॉक हो गई है और मुझे नहीं लगता कोई मुझसे अच्छी वॉक कर सकता है तुम में से। अब मैं दिखाती हूँ कि वॉक कहते किसको है। लेट्स सी गाइस, पेटियाँ बांध लो खमर की। ओके स्टार्ट करें। लचक लचक मटक मटक। इसको तो मैं मॉडल बनाती हूँ, इनके फैशन वॉक मैं कराऊंगी। बहुत शौक चढ़ा है ना इन्हें। Kiss, and then style. Flip your hands and pose and pose and pose. अरे क्या हो गया, इतने shocked क्यों है? मुझे पता है यार मैं इतनी अच्छी walk करती हूँ। अच्छा तेरे को भी सिखा दूंगी अंग्रेजन, तेरे को यार सिखा दूंगी, तेरे को चलना सिखाऊंगी है ना, और पैसे भी नहीं लूंगी मैं। यार मेरे को जना मारी है, तुम मत देखो मेरे को जना मारी है सच में। अरे यार मेरे को जना मारी है, मत करो ना ऐसे। वैसे बताओ ना कैसी लगी मेरी वो? बहुत अच्छी। अरे थैंक। अबे यार मैम अभी तुमने बताया क्यों नहीं? इतनी देर तो फोन ही करके सिखा नहीं करा ना। स्टाइल मार ले, स्टाइल मार ले। वॉक करनी है? नहीं करनी है बेटा, क्यों नहीं?
वेरी गुड वेरी गुड। वॉक करो बेटा, गिरो मत, खड़े हो जाओ। तुम्हें तो वॉक करनी थी ना, फैशन वॉक करो करो। बहुत अच्छे लग रहे हो, गुड 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 वॉक करो करो करो। ये चलो चलो, अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। मैम तो मार दी। ओ कोमल, तू इतनी चिल होके क्यों जा रही है? तूने बैल नहीं सुन ली क्या? घंटी बज चुकी है, सारे बच्चे ना ग्राउंड में भी पहुंच गए होंगे प्रेयर के लिए, बस हम ही गेट पर अटके पड़े हैं। अरे तो इतनी जल्दी क्या है, तेरी तरह भागूंगी ना तो पसीने आ जाएंगे, गर्मी देखिए कितनी हो रही है। हाँ यार गर्मी तो बहुत हो रखी है, लेकिन अगर जल्दी अंदर नहीं गए ना तो पीटी टीचर हमारी गर्मी निकालेगी। भाई मैं तो जा रही हूँ, मेरे को नहीं पिटना। जा जा तू ही जा, मेरे को नहीं है कोई जल्दी। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। स्कूल का क्या टाइम है? मैम 8 बजे। और अभी क्या टाइम हुआ है? पता नहीं मैम। मैं बताती हूँ, 9:25। 9:25 स्कूल में पूरे 1.5 घंटे लेट हो, कहाँ थी अब तक? वो मैम, वो क्या हुआ था ना मैम, वो क्या लगा रखा है जल्दी बताओ मुझे मैम वो। हाँ भाई कहाँ लेट थी बताओ मुझे जल्दी। वो मैम क्या है ना, मेरे पापा मुझे डेली स्कूल छोड़ते हैं, ऑफिस जाते हैं और बीच में स्कूल पढ़ता है। लेकिन मैम आज क्या हुआ ना, मेरे पापा का स्कूटर खराब हो गया रास्ते में, तो मैम उसमें ना पंचर लगवा रहे थे हम, इसलिए लेट हो गए मैम, उसमें पूरा टाइम चला गया, 9:30 बज गए मैम, सॉरी। तुम्हारे रोज के नए बहाने, इसीलिए हम लेट हो गए। लाओ फाइन दो मुझे। फाइन? जितनी जल्दी जाएगी उतनी जल्दी फंसेगी। मैम को बोलूंगी, सुबह सुबह गई थी मंदिर, अंदर कैसे नहीं जाने देगी, नमस्ते भी बोल दूंगी साथ में। अब तो फाइन लगेगा तुम्हारे ऊपर। मैम पैसे तो नहीं है। मैं क्या करूं? मैडम गुड मॉर्निंग, क्या हाल? जय माता दी। जय माता दी, कहाँ से आए हो बच्चे? मैम आप देख सकते हैं मंदिर से आ रही हूँ, आपके लिए प्रसाद भी लाई हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। चलो बेटा प्रेयर स्टार्ट होगी, जाओ जाओ जल्दी जाओ। हाँ जी मैम। और तुम फाइन दो मुझे। मैम पैसे नहीं है 1 भी रुपए। पैसे नहीं है तो राउंड लगाओ, चलो या तो धूप में राउंड लगाओ या फिर पैसे दो 10 रुपए। मैम ये लो। आज तो 10 रुपए ले रही हूँ और कल से लेट हुई तो 20 रुपए हो जाएंगे। चलो अंदर। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्या है ये, दो चोटी कहाँ है? मैम ये न्यू ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल आया है तो मैंने सोचा आज ट्राई करके आ जाऊं। वाव ये तो बहुत अच्छा है, बनाया कैसे तुमने? मैम ये मैंने क्लचर लिया एंड देन मैंने अपने बाल रोल करे और देन मैंने क्लचर लगा लिया तो पफ बन गया। पफ आ गया? यस मैम। या फैशन शो में आए हो, पफ आ गया, निकाल इसको, पफ आ गया। और आज पूरे दिन ऐसे ही रहेगी खुले बालों में, फैशन करवाना है इन्हें। क्या है ये? मैम चोटियाँ। चोटी कौन सी चोटी है? मैम खजूर की चोटियाँ है, मम्मी ने बनाई थी। मम्मी ने बनाते, मम्मी का बुलाकर खाना बनाया करे, चोटी नहीं पढ़ने आती है, फैशन में नहीं आती, नालायक, चल कर। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नेल दिखा। देखो मैम ये क्या है? कड़ा। मंदिर से पूजा करने आई है? मंदिर से उतार इसको जल्दी।
मैम हम ना मंदिर में गए थे और मंदिर में ना पंडित जी ने कड़ा दे दिया तो मैंने पहन लिया क्योंकि नजर लग जाती है ना मैम, नजर 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 डेली डेली का हो गया मैम का भी। चुड़ैल है ये, चुड़ैल। एक तो ये यार धूप इतनी गंदी लग रही है ना यार, ये देखो। हाँ तू तो अंगूठी भी पहन के आ गई इनको। ओए वो देख क्या उन लड़कियों को देख, लगता है धूप से बेहोश हो गई। निकालो स्कूल में आते हो, मंदिर में नहीं आते जो तुम्हें कड़े चाहिए। हाँ देखो गिर गई, गिर गई। मैम आई क्या? लगता नहीं रहा। मेरे को भी नहीं लग रहा, क्या करें? यार शोर भी नहीं मच रहा कुछ। उठ के देखे क्या एक बार? पक्का? हाँ उठ के देखते हैं, कोई देख भी नहीं रहा मैं लग रहा है। चल। यार मेरे को कितने चक्कर आ रहे हैं मैम धूप की वजह से, मेरे को प्लीज क्लास में ले जाओ, मैं नहीं बैठ पाऊंगी, बेहोश हो गई मैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। मैंने पेपर्स चेक कर दिए, आज मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, ठीक है? यार आज फिर लेट हो गई, आज तो पहला पीरियड भी लग गया। शिट, क्लास में तो ये खड़ूस मैम है, क्या करूं? रिंकी तुम कब आई? मैम मैं तो यही थी, आपने देखा नहीं होगा। हाँ सुबह से यही है मैम। अच्छा पर ये बैग क्यों टांग के बैठी है? वो मैम मेरा ना न्यू बैग है और मेरी मम्मी ने डांट लगाती है अगर गंदा होता, अगर मैं नीचे रखूंगी तो गंदा हो जाएगा और साइड में पवित्र रखने नहीं देती। हाँ इसलिए टांगा हुआ था, अभी रख देती हूँ कोई बात नहीं। पहुंच गई। तुझे पता है आज ना मैम कॉपी चेक करने वाली है। यार मेरा तो बहुत बुरा एग्जाम गया था, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। यार मेरा भी बहुत बुरा गया है। बस ना मैम ना कॉपी नाम बोल के और नंबर बोल के ना बोले, बाकी सब ठीक है। एक काम करती मैम को बोल देती हूँ, ऐसे नहीं देंगी। एक्सक्यूज मी मैम, मैं क्या सोच रही थी, इस बार ना आप नाम बताकर ना और नंबर बताकर मत बांटना, आप ऐसे पकड़ा देना हम लोगों को, हम देख लेंगे। ओ बेटा तुम्हारा ही है पहला, आ जाओ आगे। सारे बच्चे जोरदार तालियां बजाओ पवित्रा के लिए। लेकिन क्यों मैम आपने क्लैपिंग क्यों कराई? क्योंकि इसने टॉप जो किया है नीचे से। 6 नंबर आए हैं तुम्हारे, इतना ट्राई किया कि तुम्हें पास कर दूं, 1-2 नंबर बढ़ जाए लेकिन फिर भी नहीं। लो बैठो अपनी सीट पे। तू तो कुछ लिखती ही नहीं आई, मैंने बताया ही नहीं। रिंकी? यस मैम। 15.5 बच गई तुम, संगत बदल लो अपनी ताकि तुम्हारे बढ़ जाए मार्क्स। तेरे 15.5 कैसे आए? तू तो कह रही थी तुझे कुछ भी नहीं आता। यार अरे सच में कुछ नहीं करके आई थी, वो तो जितना आता था ना दिमाग में जो आया, गाने आए कुछ भी आए, मैंने तो भर दिए। झूठी। सोनी 19.5 वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा 19। क्लैपिंग। तू भी कह रही थी तेरा अच्छा नहीं हुआ पेपर। कहाँ अच्छे नंबर आए हैं यार, आधा नंबर कट गया मेरा। शीला 17.5। अबे यार शीला के भी मुझसे ज्यादा आ गए। और मत बता मुझे, मुझे तो तूने फेल करा दिया। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं मैम से ना रिचेक करा लेती हूँ कॉपी, पहले नंबर बढ़ रहे हूँ।
हो देख तेरा ना ये क्वेश्चन गलत है, अगर मैम के पास गई ना तो नंबर कट रहे हैं तेरे तो। तू ना चुपचाप बैठ जा, तू तो 15 नंबर ले लिए हैं। तो सभी को सबका पेपर मिल गया? यस मैम। तो कल अपने पेरेंट्स के साइन करा लेना ठीक है इस पे? बेटा एक गांव में रामवती नाम की औरत रहती थी, वो लाल मिट्टी बेचती थी, मीलों दूर जाती लाल मिट्टी खोदती, बहुत गरीब लेडी थी। खाने में वो बस प्याज खाती थी क्योंकि उनके घर में बस थोड़े से ही प्याज थे। उनको काटती उबालती उन्हीं के रोटियों को सूखा सूखा ऐसे ही खा लेती थी और जाती बहुत दूर तक और फिर वहां बेचती 2 रुपए में। हे क्या कर रही है तू? अबे यार बोर हो रही हूँ, मैम देखना कितना गंदा पढ़ा रही है। बोर तो हो रही है, अगर मैम ने देख लिया ना तो कुटाई कर देगी सबकी। अरे नहीं देखेंगी मैम। तू दे दे। अरे नहीं दूंगी यार। अरे दे दे। करके पड़ोस में ही रहती थी। हो किसने किया है, किसकी बदतमीजी है ये? मैम पता नहीं इधर से लगा था शायद, किसने मारा पता नहीं मैम। खड़े हो जाओ पूरी क्लास। रिंकी बेटा तुम बैठ जाओ। ओके मैम। नहीं पढ़ना ना, अपने माँ बाप के पैसे ऐसे ही उड़ाने हैं ना, हाथ ऊपर करो सारे और ग्राउंड में जाओ चक्कर काटो उधर के, जब धूप में चक्कर काटोगे ना पता चलेगा। बेटा रिंकी तुम बैठो, तुम समझदार लड़की हो। मैम आपने तो बोला क्लास को बाहर जाना है तो मैं भी जा रही हूँ मैम। नहीं बेटा, गधे और घोड़े को हम भी साथ में नहीं दौड़ाएंगे। तुम इनोसेंट हो, तुम पढ़ना चाहती हो, मुझे तुम में वो कैलिबर दिखता है। आओ इधर बैठो। बेटा कालिदास अपना ही आदमी था, यूं पड़ोस में रहता था, बहुत अच्छा आदमी था। उसे सिंगाड़े का जूस पीना बहुत पसंद था, बहुत। 2 रुपए की रोटी 2 रुपए की तुम भी खाओगे एक दिन, बड़े हो जाओगे बेटा तुम बड़े। मुझसे पढ़ना, मैं तुम्हें पूरा दिन पढ़ा सकती हूँ, पूरा दिन। ये बुक रख लोगे ना बेटा, गुरु बनोगे गुरु कालिदास। So, students, today we are gonna learn about a very important topic, और ये आपके exams में भी आने वाला है। So, once upon a time, long time ago, okay, so students, अभी तो bell बज गई है और हम कल यहीं से continue करेंगे। आप सबको जो काम दिया है वो कर कर आना, okay? Good evening. सही है, सबके सब चले गए। कौन? मेरी मैगी कौन खा गया? ओए मैगी तू लेकर आई है? नहीं तो क्या लेकर आई खाने में? परी। ओए आलू के पराठे। मैगी लाया कौन है और इतनी टेस्टी यिप्पी, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। रिंकी की बच्ची तो नहीं लेकर आई? सबसे पहले ना अपना लंच छुपा देती हूँ। और जाना सर। क्या ले कर आई खाने? क्यों बताऊँ क्या? क्या लेकर आई है खाने में? मैगी लेकर आई हूँ मैं। मैगी? देख
नहीं दूंगी। ऐसे नहीं देगी। देना तो तेरे को पड़ेगा। दो लंच लेकर आई ना, एक लंच दे मेरे को। मैं मैम के लिए लेकर आई हूँ एक लंच को, और एक मेरा खुद का है। अच्छा देख, एक लंच दे मैम को, एक लंच दे मेरे को। दे, नहीं दूंगी मैं। दे देना। नहीं दूंगी मैं। अल्लाह, नहीं देगी मतलब तू? नहीं, ऐसे नहीं देगी तो ऐसे देगी, ऐसे नहीं देगी तो वैसे देगी। मतलब? मतलब तो कुछ भी समझ ले। दे लंच। मैं नहीं दूंगी अपना लंच, मैम को बोल दूंगी मैं नहीं दूंगी यार। स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है यहाँ पे? चलो सब अपनी सीट पे। फिश मार्केट बना रखा है क्लास को, सब इधर उधर घूम रहे हो। चलो सब अपनी सीट्स पे, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। आई बड़ी, मैं नहीं दूंगी अपना लंच। फिश मार्केट बना रखा है क्लास को। पता था, मुझे पता था। शिवची लगाई काम होगा, खाने की कदर है एक नंबर की। अब देख, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैम के पास जाती हूँ अभी। मैम मेरा लंच खा गई। धोती है यार, पानी भी नहीं देते, कैसी क्लास है ये? यार रिंकी, एक प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम? तेरा ब्रेकअप हो गया क्या फिर से? पागल है क्या? ब्रेकअप कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे ना पीरियड्स आ गए हैं। पीरियड्स? तेरे को पीरियड्स कैसे आ गए? कैसे आ गए मतलब कैसे आते हैं? जैसे सबके आते हैं वैसे आ गए। अच्छा तो एक काम कर, जल्दी से वॉशरूम में जा और पैड यूज कर ले जा। यार प्रॉब्लम तो यही है कि मैं पैड लाना भूल गई। हे भगवान, अब क्या करें? सुनना, तेरे पास हो तो तू दे दे। मेरे पास क्या? मेरे पास कहाँ से होंगे पैड? चेक करना एक बार। नहीं है यार, मेरे पास नहीं है पैड। तो सुन, एक काम करना, क्लास में पूछ ले किसी से। मैं क्यों पूछूं? तेरे को पीरियड्स आए, तू पूछ भाई। तू शर्म आती है? मेरे को भी शर्म आती है। देख प्लीज चली जाना, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है? ऐसी शक्ल मत बना, पूछ के आती हूँ। क्लास में तो किसी के पास पैड नहीं है, अब क्या करे? क्या बात कर रही है? हाँ एक काम कर, तू घर चली जा, जा छुट्टी लेके। घर निकल जा, तेरा दिमाग ठीक है? घर जाऊंगी इतने में तो गंगा यमुना बह जाएगी। सही नहीं है। क्या करूँ भगवान। हाँ वो मेरे को याद आया, रोना बंद कर, वो इंग्लिश वाली मैम नहीं है? उन्होंने एक बार ना अनाउंसमेंट करा था, किसी को फर्स्ट एड की या फिर पैड की या किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो उनसे आके कांटेक्ट कर ले। पक्का? हाँ हाँ पक्का। चल उनके पास चलते हैं। चल चल एक बार पूछ के आते हैं। चल अच्छा। देख वो बैठी हुई मैम, जल्दी से जा और मैम से मांग ले। चल तू चली जाना। अरे यार पीरियड तुझे हुए या मुझे? चल जल्दी मांग के ला। अरे यार मुझे शर्म आती है, तू चली जाना। अबे यार क्लास में भी तो पूछा था ना, चल ही जाना, मैम क्या कुछ कहेंगी? जा, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है? अबे यार प्लीज चली जाना। ठीक है। मैम। हाँ जी मैम, पैड चाहिए। पैड चाहिए? किसको चाहिए? मैम वो मेरी फ्रेंड है ना मैम, उसको पीरियड्स हुए हैं और मैम पूरी क्लास में किसी के पास पैड नहीं, और वो भी लाना भूल गई। अच्छा एक सेकंड रुको। और तो भागती है लड़की मुझसे। ये लो, और इसमें ना मेडिसिन भी हैं, उसको खिला देना, क्रैम्प में थोड़ा रिलीफ आएगा। ओके थैंक यू मैम। वेलकम। ये ले और चल चेंज करने। चल चल तू। थैंक यू यार, थैंक यू।